फंक्शन है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस इंडिया ट्रेडिशनल 2023, ये जो ब्यूटी पेजेंट इवेंट हम कर रहे हैं, ये है किड्स फैशन वॉक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेलिब्रेशन है, बुक लॉन्च है, और ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ उसमें हैं, और भी लोग इसमें एक्सपर्ट जुड़े हैं, कुछ इनिशिएटिव, कुछ सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। सो एक एंटरटेनमेंट के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से, जो मान लीजिए फैशन शो में, रैंप वगैरह में कितने लोग पार्टिसिपेट? फैशन शो में अभी ये पूरा टोटल अराउंड मेरे ख्याल से 70-80 लोगों का इवेंट हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे 20-25 पार्टिसिपेंट्स है जो वॉक के लिए है, और अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है जो ऑथर्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए है, और वो सभी लोग अलग अलग जगह से आए, जैसे मुंबई, पुणे, और कुछ गेस्ट जो है वो बाहर से आए हैं, अहमदाबाद, पटना, सो अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ सब लोग एक साथ में कुछ अलग एंजॉय कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जो आप इस तरीके से मतलब इससे जुड़ी हैं और आपका क्या मतलब? आकाश का जो इंटेंशन है, मैं बस सिर्फ इस वजह से आकाश से जुड़ी हूँ, आकाश का इंटेंशन बहुत प्योर है, क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रीजन टू जस्ट गेट द बेनिफिट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, हिज ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट ब्रिंग प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु आर नॉट दैट मच अप्रोचेबल और मे बी इज लाइक हु हेजिटेट टू कम ऑन द स्टेज, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, और नए नए आइडियाज़ लगते हैं, तो हमेशा कैसा है एक काम नहीं करना चाहिए, थिंग हैज़ टू बी चैलेंजिंग, दैट्स द रीज़न मैं आकाश से कनेक्टेड। इन मॉडलों को किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं, जैसा कि आप भी मतलब क्या ग्राउंड जीत चुके हैं आप, तो किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जितने भी मॉडल्स और बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें वो ऑलरेडी विनर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी इनविजिबल क्राउन्स है, उनके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि वो काम कर सकते हैं, विनिंग लूजिंग इज अ जस्ट पार्ट ऑफ गेम, बट वो खुद अंदर से उतने मोटिवेटेड है और हम उन्हें पुश करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पे लेके आते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो आगे बढ़ सके, अच्छे डिसीजन ले सके। पार्टिसिपेंट्स और गेस्ट, अच्छा सर देख चुके, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिंदगी को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, और जीने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरों को प्रायोरिटी ना दें, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद की होती है, सेल्फ लव, आपका खुद का सेटिस्फैक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपनी लाइफ को खुल के जियो और खुश रहो। जिनके अंदर टैलेंट है वो आप लोगों से किस तरीके से जुड़े हैं, उनके लिए माध्यम तो हम लोग बहुत ही अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? जिनके पास जिनको कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, या जो ऑथर्स है, अलग अलग लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग ऑफकोर्स जुड़ सकते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया पे भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन या ABCD इंटरनेशनल फैमिली या भाबड़ फिल्म्स के थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं, या पर्सनली मुझे सर्च करके भी वो हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑफकोर्स साथ में जुड़ेंगे उनको अगर ऑथर बनना है, कुछ अलग क्रिएटिविटी करना है, ब्रांडिंग के लिए काम करना है, बिजनेस डेवलप करने के लिए करना है, ऑफकोर्स वो कनेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और टैलेंट अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते, टैलेंट है तो वो डायरेक्टली हम लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, ऑफकोर्स टैलेंट को सजेशंस को आइडियाज़ को यहाँ पे बहुत केयर किया जाता है, मैं लिटरली बता दूँ हमारे सभी मेंटर्स जो होते हैं, सभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उनसे हम सजेशंस फीडबैक्स हमेशा लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम कुछ लोगों के पास नए आइडियाज़ होते हैं, उनके टैलेंट को वहाँ पे एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है, तो ऑफकोर्स किसी के पास भी कुछ अलग टैलेंट है प्लीज़ अप्रोच। मैम लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए? लड़कियाँ बहुत पावरफुल हैं, उन्हें किसी भी मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस इतना बोलना चाहूँगी कि अपना ऑब्जेक्टिव और अपना एक मकसद लेके लाइफ में चलो, किसी और जो भी आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने की पूरी पूरी शक्ति, पूरा पावर ऑलरेडी आपके अंदर है, बस सिर्फ आपको एक स्टेप आगे लेना है और मूव करना है। थैंक यू, आज जो यहाँ पे ह्यूमन पेजेंट था आपने डिजाइन कर लिया, आपकी टीम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके और इस इवेंट में सभी को ज्वेलरी देके, और सभी में ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने अच्छे से प्लॉट किया है, ज्वेलरी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, आगे बहुत रास्ता है, जाना है आगे बहुत आगे तक,
मुश्किल होता है सबको मतलब मैच करना? बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम लगा, सबकी पसंद नापसंद देखना, बट क्लाइंट को खुश करना बहुत अच्छा लगा। जब फाइनली वो लोग खुश हुए, हम लोगों ने जो भी उनको दिया और उन्होंने स्पेशली इन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे कुछ भी चलेगा, पर बहुत अच्छा लगा। हम कहना चाहेंगे कि आगे और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स में उनको मैं ज्वेलरी दूँ, अपना ज्वेलरी फ्रॉन्ट करूँ, कुछ एक्सप्लोर करूँ, एक्सपीरियंस और अच्छा करूँ। जब भी इवेंट हो हम लोगों को याद कीजिए, सिंपल। थैंक यू, थैंक यू। चाहेंगे आप एक कोरियोग्राफर हैं और आपने ये सारा मतलब किया है, क्या कहना चाहेंगे? यार जो जिसको मैंने कोरियोग्राफी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन लोगों को मैंने कोरियोग्राफी की है ना, वो अपने आप में इतने बड़े इंस्पिरेशंस है, क्योंकि वो स्टेज के दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर यू नो लोगों की लाइफ एक स्टैग्नेंट हो जाती है, द इंस्पिरेशन इज़ दैट उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा खड़ा की स्क्रैच से, शुरू से ढूंढ के, खंगाल के, लोगों को पकड़ पकड़ के, वर्कशॉप में जा जा के, क्योंकि उनको नहीं मालूम था अब उनकी ज़िंदगी में अब क्या होना चाहिए। ये तो बात दूर की बात है कि क्या हमको जब मालूम होता है हमको क्या करना है तो वो समझ में आता है हमको करना, लाइक वी हैव द ब्लू प्रिंट रोड मैप, उनके पास मालूम ही नहीं था। आज वो जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ है जो परी बन के घूम रही है, शेरी बन के घूम रही है, कोई दुर्गा दिख रही है मुझे, किसमें लक्ष्मी दिख रही है, किसमें काली दिख रही है, किसमें अन्नपूर्णा दिख रही है, वो आज शुरू से शुरू किए। ये कितना मुश्किल है एज एन वुमेन, और मुझे पता है किन लोगों की मैं मेंटोर हूँ, उनके पास ज़ीरो सपोर्ट था, किसी के पास मतलब एक होता है ज़ीरो सपोर्ट, किसी के पास में माइनस में था, उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेची, उन्होंने अपने लिए टीचर हायर किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से नए नए तरीक़ों से, नई ऊर्जा से, आज वो अपने फैमिली में ना ही वो अपने लिए ही बेहतर कर रही है, वो अपनी फैमिली के लिए भी बेहतर कर रही है, उसके अलावा एक समाज के लिए भी बहुत अच्छा वो रिज़ल्ट इंस्पिरेशन बन रही है। और ये सबके बस की बात नहीं है, ये इंडिया में हम 16 बिलियन पॉपुलेशन में रहते हैं, हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, मेल डोमिनेशन, आई लव मैन, मैन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरतें जाग रही है, और ये उस तरीके का एम्पावरमेंट नहीं है, औरतें जाग रही है और जाग रही है। ये सेक्शंस है ना बहुत अपने आप को अपने अंदर बहुत कमज़ोर मानती थी, आज उनको मालूम पड़ रहा, उनको वो दृष्टि दिखाई दे रही कि ये नहीं है ऐसा, ये मिथ्या है, ये गलत है, हम तो दुर्गा है, अभी हम क्रिएटर, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम समाज क्रिएट कर सकते हैं, तो हम अपने आप को क्रिएट क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों हमेशा पीछे रह रहे। तो जब वो आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके सोसाइटी में चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं हर इंसान के बारे में बात करूँगी जो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा है, जो लेज़ी है, जो आलसी है, जो भगवान के भरोसे बैठा है, नाना नाना प्रकार के मैं बोल सकती हूँ उसके ऊपर। मेरे पास में दो सुंदर लेडीज़ बैठी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवर्स है, वुमेन एम्पावरमेंट, मैन एम्पावरमेंट में भी है, इनके भी अपने जो लेयर्स ऑफ अचीवमेंट्स है वो इतने लंबे हैं कि ये लेडीज़ के लिए प्रेरणा, ये मेरे लिए प्रेरणा है, रचना मैम मेरे लिए प्रेरणा है, मेरी बहन मेरे लिए प्रेरणा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जो एक बाइट लिया मुझे पूछेंगे, आप बोलोगे बहन तेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि अंधेरे से खुद को रोशनी ढूंढना, जब अंधेरा होता है तो पता अंधेरा है, पर वहाँ से ये सोचना कि नहीं रोशनी है, रात है तो सवेरा आएगा, फिर उसका पेशेंस रखना, सुबह उसको बोलते हैं एक योग होता है, उसको बोलते हैं मिलन योग, जब रात और सवेरा साथ में मिलता है। हमारी लेडीज़ यहाँ पे उस योग में, जहाँ वो खुद को खुद से पहचान रही है, अब उसके बाद तो देश देखेगा, 10 साल के बाद इंडिया की लेडीज़ कहाँ जाएगी आप भी देखेंगे, और हम उसका सम्मान करेंगे। हम लेडीज़ लड़ नहीं रही है, अगर वो लड़ भी रही है ना तो वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके लड़ रही है, वो अकेले नहीं लड़ रही, वो पैसे कमा रही है, सारे पैसे अपने हस्बैंड के बिजनेस में लगा रही है और बच्चों के हायर एजुकेशन में लगा रही है, वो खुद के लिए तो एक झुमकी नहीं खरीदती है। तो मेरा यही है कि अब घर में 10 रुपया आ रहा था तो अब दुनिया 100 रुपया आएगा, तो जब लेडीज़ निकलती है तो उसकी पावर वही है। तो मेरा इतना ही इन शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैंने बड़बड़ बहुत कर लिया, मैं ऐसे ही हूँ, एंड आई विल पास ऑन टू माई द मोस्ट गॉर्जियस अचीवर, द मोस्ट टेंडरस, द क्यूटेस्ट सोल ऑन प्लान आई हैव मेट इज रचना, शी इज़ ऑल्सो टू गुड टू कंट्रोल एंड टू गुड फॉर इट्स लाइक टू टेक द डिग्निश दैट पोजिशन एज एन ऑर्गेनाइजर, आई वुड गिव इट टू आकाश, ही इज़ द ऑर्गेनाइजर, आई एम जस्ट हियर टू होस्ट द शो,
हाँ, वेन आई एम द होस्ट आई नीड टू नो हु एल्स इज देयर दैट आई हैव टू होस्ट. सो एज अ रिजल्ट आई नो बेसिकली हु इज देयर टू सम एक्सटेंट दैट हु इज देयर इन द शो. सो आई हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग विद आकाश. And in the long run, I felt that this is going to be a wonderful event because I am from the education world and mentoring students, more than 8,000 plus students, parents, mothers I have mentored and have come up to this level and now grooming the pageants in the beauty world. So it's a journey completely and where I have met so many different ladies who are struggling to come up and some of them are really, really successful in their career and they have achieved what they wanted to achieve. And it's a blessing for me to be working with them, to be empowering them, to be always behind them as a support. And aaj ke jo show hai, iske baare mein main itna hi kehna chahungi. Associated with a lot of NGOs. I'm honored with many prestigious awards too. But when Akash ji and Rachna ma'am approached me for this event, I was very glad because I have met her before also. For the, she has honored me with a Women's Award and I know how inspiring it is for me to meet her again and again. I was, you know, blindly wanted to, you know, follow her wherever she, I knew that there will be, you know, unique concept and it happened. Today what I've seen, yes, when I'm blessed with so much in my life, why not help others? इतना मुश्किल होता है जज करना, खासकर कोई जज को, हर किसी में आपको टैलेंट दिखता है, तो कितना मुश्किल है आपके ही इवेंट के लिए मॉडल में पहने, क्या कहें? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विद्या डिसिल्वा है एंड शी इज़ माई पार्टनर पिंकी शेलो. वी आर थ्री पार्टनर्स बेसिकली, बट वन कुडंट कम बिकॉज शी इज़ नॉट वेल. We are honored to design, I mean make up models wear our designs over here and we've done many, we have a brand named Adrika Label and we are just showcasing our garments to promote our brand. और क्या कहना चाहिए, कितना कठिन है ये जाकर के मॉडल के मतलब कहता है उसके हिसाब से डिज़ाइन करना कपड़ा, कितना मुश्किल है? वो हमारे लिए तो हमारा पैशन है, तो वो हमको तो वो काम करने में बहुत मज़ा आता है. मॉडल का हिसाब से जो भी गारमेंट हमको बनाने हैं तो लाइक हम बेस्ट से बेस्ट हमारी ओर से देते हैं उनको बना के डिज़ाइंस करके. और हमने बहुत सारे शोज़ भी किए, बहुत सारी जगह पे हम विनर भी हुए हैं. तो यहाँ पे भी स्पेशल थैंक्स टू शबीना जी, आकाश जी, रचना जी, जो उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म भी दिया. तो मतलब बस इतना ही कहना चाहूँगी. नहीं, मतलब हाउस वाइफ है, हमको पता है वो बाय प्रोफेशन मॉडल नहीं है, तो हमने डिज़ाइंस भी वैसे ही करके देते हैं कि वो कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली चल सके रैंप पे. तो मतलब वैसे ही डिज़ाइंस करते, तो उनको भी ऐसे फील नहीं होगा कि हम कैसा ड्रेस पहन के चल रहे हैं, हमको मज़ा नहीं आ रहा है, वैसे कुछ नहीं. उनके कॉन्फिडेंस लेवल से के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है. मैम क्या कहना चाहिए आप, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं आजकल, वुमेन्स आगे आ रही है, तो क्या कहना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप अंटिल यू अचीव. And don't think that you are given up because you can't prove that. तो जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप give up मत करो. Because आपको ये नहीं पता कि अगला कदम क्या है. Because the most beautiful views come after the most dangerous and the most steepest climb. जिसको हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत और ख़तरनाक दौर से गुजरने के बाद ही सबसे बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है. तो मेहनत करो और मेहनत आपके साथ और यू नो सक्सेस आपके साथ है. लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, नेवर गिव अप, क्योंकि अगर आप हो तो सब है, अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं है. क्योंकि हमें वो पावर आज भगवान ने दी है कि हम घर भी मैनेज कर सकते हैं और प्रोफेशन को भी मैनेज कर सकते हैं. बाकी
ड्रेसेस वाइज तो ये लोग हैं हमारे लिए, तो जो हमें कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हैं हमारा. तो बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग एंड सी द जर्नी. आप जर्नी को एंजॉय कीजिए. वेन्यू अच्छा है, जगह अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है और इवेंट भी बहुत अच्छा है. आगे बहुत खुशी हुई है और एक साथ कई सारे इवेंट हैं, जैसे कि बुक लॉन्च भी है, पेजेंट भी है और छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत इनक्रेज किया जा रहा है. तो आके हमेशा अच्छा लगता है ऐसी जगह और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है. क्या कहना चाहेंगे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मेरी तो उनसे बातचीत हुई है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं और इवेंट अच्छा चल भी रहा है. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पूरे जोर लगा के करो और अच्छे से करो. गॉड ब्लेस यू ऑल और बहुत अच्छा कीजिए, मेरा कहना यही है. ऑर्गेनाइजर को क्या कहना चाहेंगे, एक साथ में इतने सारे प्रोग्राम हैंडल करना बहुत बड़ी बात? हाँ, बात तो है और उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बहुत ही उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया और बहुत मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है कि एक साथ इतने इवेंट लॉन्च करना और काम करना उस पर बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बखूबी निभाया है. मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लास्टली मैसेज क्या देना चाहिए? उनको मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप पूरा जोर लगा के कीजिए, क्योंकि आपकी ये शुरुआत है और यहीं से शुरू होकर आप बहुत आगे तक जाते हैं. तो इसमें आप पूरा 100% दीजिए और खुश कीजिए सबको कि वो आपके परफॉर्मेंस से खुश हो, यही कहना चाहूँगा. बाकी ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू और आप सबको भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. आकाश भावल, उन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, उसमें अलग 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 दिशाओं से लोग आए हैं और फैशन वगैरह शो किया, बाद में हर लोगों का अलग अलग जो ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अलग अलग दिशा से वो लोग आए हैं. हाँ, सच में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों को तक पहुँचने चाहिए. और अच्छा, आकाश ने जो बुक निकाला है उसको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सचमुच वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे वो मेहनत करते रहे, मेरी तरफ से उसको शुभकामनाएं. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो तो ऐसे ही करने चाहिए पार्टिसिपेट, हमारे तो सदा उनके पास शुभेच्छा रहेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे लोगों तक तो ये पहुँचना चाहिए, जरूरी, बहुत ज़रूरी है. लोगों तक तो पहुँचेंगे तो लोग भी इसके लिए आगे आगे आएंगे इसके लिए. येस ऑफ कोर्स एवरी वन इज़ एक्साइटेड. आज का इवेंट के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो इंटरटेनमेंट के थ्रू हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं. जैसे हमारा बुक पब्लिकेशन कंपनी है तो बुक पब्लिश करने तक ही सीमित नहीं रखते हम, बुक पब्लिश करने के बाद एक्चुअल जर्नी शुरू होता है, तो उसको कैसे हम और क्रिएटिवली प्रोफेशनली आगे लेके जा सकते हैं. तो जस्ट एक एनुअल फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जैसे ब्यूटी पेजेंट है, बुक लॉन्च है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेलिब्रेशन है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. तो वो हम सब एक साथ मिल के एक एन्जॉयमेंट के थ्रू, एक इंटरटेनमेंट के थ्रू, पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफकोर्स उसमें है, ब्रेक थ्रूज है, तो वो सब लाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये ट्रेनिंग फील्ड को, ट्रेनिंग एजुकेशन फील्ड को क्रिएटिविटी और फैशन ग्लैमर के साथ जोड़ के कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही एक प्रयास है. थैंक यू. कुछ रैम वॉक वगैरह की है, फैशन शो भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट आए हैं? यस, कौन-कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट्स है, जैसे मुंबई, पुणे, यहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स है. और ये सब हमारे कुछ ऑथर्स है, कुछ ट्रेनर्स, कोचेज जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, हर एक को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और एक पर्टिकुलर एज के यहाँ पे सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम हमारे जो ऑथर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो ABCD के साथ जुड़े हैं, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, कुछ क्रिएटिवली किया जाए,
और उसके लिए ये पर्पस था। आकाश जी एक बात पूछना चाहिए, कहाँ से माइंड में आया ये सब कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया ये सब? कोर्स थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये सब ऐसे मेंटर जब साथ में बैठते हैं, जब गाइड करते हैं, जब हमारे आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे अलग अलग आइडियाज़ आते हैं और बस आपको वो आइडियाज़ को एक्शन प्लान्स में, एक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके ये सब पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि आप यंग हो, युवा हो, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बुक के माध्यम से या इस शो के माध्यम से? यस, यंगस्टर्स हमारे देश की इम्पोर्टेंट ताकत है और यंगस्टर्स को अवेयरनेस में जीना इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस में हम रहेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इश्यूज होते हैं, वो टाइम को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो अपना टाइम को वेस्ट कर जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते टाइम पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना और वो जो आइडियाज़ है एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सोचना कि हाँ हम क्या दे सकते हैं लोगों के लिए। और अगर वैल्यू एडिशन आपका मेन मोटो है या आप उस तरीके से सोचते हैं तो आपके पास ये बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग कनेक्ट होंगे और आप एक सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। और विजन इज़ इम्पॉर्टेंट, विजन होना चाहिए सबके पास। अगर युवाओं के पास विजन है तो इट्स ऑसम, वो कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। बुक की बात करें, जैसे ग्रैंड बुक लॉन्चिंग है, बुक में ऐसा क्या खास है, जो सब्जेक्ट है, कंटेंट है, yes. कुछ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बुक के लिए ये है कि एक प्रिंसिपल्स के लिए हम बुक लॉन्च कर रहे हैं, जो इट विल बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक बाय प्रिंसिपल्स ऑन मॉरल वैल्यूज। सो उसमें 111 प्रिंसिपल्स ने अपना स्टोरी शेयर किया है मॉरल वैल्यूज़ के रिलेटेड, और वो हम लॉन्च करने वाले हैं। और दूसरा एक एंटरप्रेनर्स का बुक है जिसमें एंटरप्रेनर्स की जर्नीज को ऐड किया है, वो जो एंटरप्रेनर्स जिन्होंने सक्सेस को, फेलियर्स को देखा है, वो अपने सक्सेसफुल जर्नी में आगे बढ़ रहे और वो लोग उनके स्टोरीज को फीचर करके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की हम लोगों ने कोशिश की है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, जो गेस्ट आपके इस प्रोग्राम में आए हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है, क्या शुभकामना देना चाहिए? ये सब कोर्स हमारे जो शो में है, अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं, जैसे कि रविशंकर सर है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा फोकस करते हैं, सर है मनोज सर, वो एजुकेशन में एक्सपर्ट है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है, जो कुछ फैशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, कुछ फार्मा के एक्सपर्ट्स है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। तो ऐसे अलग अलग लोगों को इनवाइट करने का प्लान ये था कि हम सब अलग अलग लोगों से मिले, सीखे उनसे, उनके वैल्यूज़ के बारे में, उनके सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में जाने और उनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, उसके पीछे ये पर्पस है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आकाश बाबर जी ने जो ये आज बुक लॉन्चिंग इतना बड़ा इवेंट रखा है, आप लोग ये सोचिए क्या कहना? सिर्फ सबसे पहले मैं इसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक अपने तरफ से एक अलग इवेंट है कि फर्स्ट टाइम बुक लॉन्च भी हो रही है और फैशन शो भी हो रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आकाश, और मैं आकाश को अब अराउंड 3 साल से जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ जो भी इनिशिएटिव लेता है बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की रफ्तार आकाश जी की है, डेफिनेटली ऐसे लोग हमारे देश के भी ज़रूरत है, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरीज, और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अदर कंट्रीज से कॉम्पिटिट करने के लिए। ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव जो इंटरप्रेनर्स ले रहे हैं आकाश जी की तरफ, खास करके इनका जो एक इनिशिएटिव 101 प्रिंसिपल का, वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि एक प्रिंसिपल एक स्कूल की लीडर होती है, और जब एक बुक प्रिंसिपल के हाथों से लिखी हुई लॉन्च होगी, सो जो भी बच्चा पढ़ेगा इट्स गोइंग टू ब्रिंग ए बिग चेंज इन देयर लाइफ। So I all the best to Akash ji, और ऐसे लोग I want them to just want to say one thing for them, जो पसीने से नहाते, जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। So you have one of among us, so big salute to him. Thank you. और मैं कभी भी उनके इवेंट को मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके इवेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं सीखने की, बुक लॉन्च भी है, आज की डेट में पीजेंट शो भी हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं। इनकी सोच बहुत ऊँची है और ये चाहते हैं कि अपने देश को बहुत आगे ले जाए, ये चाहते हैं कि जितने भी न्यू कमर्स हैं या जो एंटरप्रेनर्स हैं या जिनके ऊपर बहुत ही इच्छा होती है कुछ करने की, ये उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और ऐसे लोगों को देश की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस छोटी सी उम्र में ये जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनको देख करके
कितने भी यंग जनरेशन है, नॉट ओनली यंग जनरेशन बट जो बाकी जनरेशन, जो हमारी जैसी जनरेशन है, वो बहुत मोटिवेट होती है, बहुत ज़्यादा आगे कुछ करने का सोचती है, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी आता है, जो शो करता है और जो यहाँ पे अटेंड करता है, तो अटेंड करने वाले के लिए अंदर से कुछ होता कि मैं भी अब अगली बार आऊँ तो कुछ करके दूँ। तो ये आकाश जी की एक बहुत बड़ी खासियत है और ये शो अगेन एक नया माइलस्टोन तैयार कर रहा है इस आने वाले साल के लिए और आने वाले दशक के लिए, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं भारत की स्वर्णिम जयंती की, अमृत काल की, तो आकाश जी भी उसमें काफ़ी चीज़ ऐड कर रहे हैं जो कि नेशन को बढ़ाने के लिए बहुत कामयाब है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आकाश जी के शो में आने का, क्योंकि मैं सीखता हूँ यहाँ पे आकर के और काफ़ी लोग सीखते हैं। क्या लगता है सर, अहमदाबाद में कैसे शो होने चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मैं तो चाहता हूँ कि आकाश जी का शो जितने भी 29 स्टेट्स हैं वहाँ पे होना चाहिए। क्यों अहमदाबाद ही क्यों सही? क्योंकि अगर ये एक क्या होता है कि जंगल की शुरुआत एक पौधे से होती है और ये एक शिक्षा का जंगल है, समझ के इसको ये शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर ये पौधा हर स्टेट में, हर सिटी में डालें तो ये बहुत बढ़ करके आएगा और हर आदमी इस बड़े से जंगल में, ज्ञान के जंगल में, आगे बढ़ने के जंगल में उसको बहुत सुकून मिलेगा। जैसा कि बुक में लॉन्चिंग है तो उसका आपने कंटेंट पढ़ा, बैड पेरेंट्स क्या है, मीनिंग्स कुछ आप बता? देखिए ऐसा है कि अभी जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आ गया है उसमें हर पेरेंट्स को टाइम नहीं होता है, हर आदमी जो है आगे बढ़ना चाहता है बट ये चाहता है उसका बच्चा सबसे नंबर वन हो, राइट, भले वो समय दे या ना दे पाए। तो जो बुक में लॉन्च हो रही है, जो यहाँ पे जो लेखक लोग हैं जिन्होंने लिखा है, उन्हें बड़ा सोच के समझ करके और वो एक्सपीरियंस करते हुए लिखा है, जिससे कि आने वाले जो माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं, जो करंट पेरेंट्स हैं, वो चीज़ वो डिफ़िकल्टी नहीं सहे, राइट, और जो उन्होंने डिफ़िकल्टी से लेकर के आए हैं, जिससे कि पेरेंट्स के सोचने की जो तैयार है और बच्चों के आगे बढ़ने की, दोनों चीज़ का एक साम हो जाए और एक लाइन में आदमी चढ़े और आगे बच्चे बढ़े। आकाश के बारे में बताना चाहूँगी कि आकाश सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं करते हैं, बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, उनके हर एक एक्टिविटीज़ को लेके और सिर्फ बुक्स लॉन्च का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन और अकेडमिक बुक्स होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग तरह के बुक्स होते हैं जो कि पेरेंटिंग रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आकाश करते हैं और क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, अपने ऑथर्स को भी एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, बिजनेस और लीडरशिप को लेके बहुत सारे इवेंट्स करते हैं जो वर्चुअल भी होते हैं और इनके इवेंट्स में सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पीकर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक जगह बैठ के सबको अलग अलग जगह से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ऐसे कुछ बात बताइए कहाँ से इंस्पिरेशन? यस ऑफ कोर्स, ये इंस्पिरेशन अभी हम लोगों ने तब 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं एक साल में, तो हम लोगों ने अभी थोड़ा नया इनिशिएटिव लिया है, सोचा है कि कम्युनिटी वाइज काम करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो हम प्रिंसिपल्स, पुलिस ऑफिसर्स, LGBTQ कम्युनिटी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऐसे हर एक को टारगेट करके उनको उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनको उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनाना चाहते हैं, उस प्राउड मोमेंट को फील करवाना चाहते हैं और यही पूरे साल में हमारे 4-5 इनिशिएटिव्स है और उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, अभी आकाश का एक और बहुत ही यूनिक एक्टिविटी स्टार्ट होने वाला है जो पुलिस और उनकी लाइफ से रिलेटेड है, यानी हमारे जो हमारे इंडिया में अलग अलग देशों में अलग अलग सेक्टर्स में पुलिस की जो सेवा होती है वो एक ऐसी सर्विस है जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, तो एक वो इनिशिएटिव है जो आकाश ने लिया है और आकाश ने एक बुक के द्वारा और एक छोटी शॉर्ट फिल्म के द्वारा उनकी ज़िंदगी को, यानी वो लोग जिस तरह जीते हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उसको बाहर लाने की एक छोटी कोशिश आकाश ने शुरू की, जिसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आकाश, आज के इवेंट की थीम पूछे तो क्या थीम है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हो रहा है? आज का ये जो इवेंट है ये एक एनुअल इवेंट है, इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, जिसमें एक फैशन वॉक भी है, साथ ही साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी क्रिएटिविटी भी इस स्टेज पे शो की जा रही है,
इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और ऑथर्स और बहुत फेमस हस्तियों ने पार्टिसिपेट किया है. इनका इसमें बुक लॉन्च है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आकाश अच्छे से बता सकते हैं. यस, एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट 4-5 एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट है, मिस एंड मिसेस इंडिया ट्रेडिशनल 2023. ये आकाश इज़ डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब. जो भी ये कर रहे हैं, लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल जिनको नहीं पता है द ABCD ऑफ how to get into an entrepreneurship and stuff like that. So this is a very good platform and aaj ka event is actually rocking, and every event that probably he does seems to be really good. So this is also a very nice event, bahut versatile, I mean bahut variety hai. There are a lot of things that are happening here, the fashion show, the entrepreneurs, the authors. It's a mix and match of everything, so it's like really you have a nice buffet of everything. Meetha, tikha, khatta, sab hona chahiye. That's how it should be, and that's how life is. So that's a very nice event. Akash ji, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो उनकी शुरुआत है पब्लिकेशन को, एजुकेशन को और साथ में ब्यूटी पेजेंट को साथ में लेके चल रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और जो किताबों से जुड़ गया अपने ज़िंदगी में एक नए आयाम की तरफ बढ़ता है. तो आकाश जी की जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा है और ऐसे लोगों को जोड़ के चल रहे हैं जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं किसी पोजिशन पर है, और उन लोगों को भी लेके चल रहे हैं जो अपना ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक संगम बना रहे हैं जहाँ पे दोनों लोग इकट्ठा है, एक जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक जिनको ज़ीरो से वो सीखना चाह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ चल के एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए आकाश जी की इस पहल के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. जी बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि हम जब जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो घर में रहते हैं और घर के कामों से ज़्यादा फुर्सत नहीं पाते हैं. तो एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले और वो लोग अपने एक नए करियर की तलाश में आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, ताकि उनको भी नया कुछ करने का मौका मिले. और बच्चों की बात है जहाँ पे बच्चों को इनक्रेज किया जा रहा है, उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक स्टेज दिया जा रहा है. तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर हैं और बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, जैसे हम जैसे लोग, मीडिया और बाकी जो कैटरर्स हैं. तो सबके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार इस तरह के इवेंट्स दे रहे हैं. तो इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हर आदमी सुखी रहे और काम करे. प्लेटफॉर्म दे रहा है, उनका बुक लॉन्च है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. बहुत अच्छा लगता है, इट हैज़ बीन सो ब्यूटीफुल. और जितना प्लेजर कि हम उनके साथ उठ बैठ सक रहे हैं, घुल मिल सक रहे हैं, मिल सक रहे हैं, इतने अलग अलग फील्ड के सारे लाइक है, बहुत एक्साइटिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है. वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन. कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और यही बोलूँगा कि सबका आकाश जी जो है और आगे बढ़े और हमारा पूरा साथ रहे. सो आई लाइक टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ आरती मैम बिफोर. इनका आज बुक लॉन्च भी है, हमारी बात भी. वी ऑल वो पार्टिसिपेंट फॉर द पेजेंट एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बुक लॉन्च ऑफ मिस आरती विच इज कमिंग अप. मैम वुड यू प्लीज लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hi, I'm Aarti Shah. I participated in the pageant today, and this is 2023, right? Yeah. And it was a wonderful experience. It was my first time, and as you can see, such a beautiful dress up. I'm so happy with the design.
your makeup and all was done. So it was an excellent experience. All I want to say is that I really am thankful for all the organizers who have put together here, and all of them who are known and the ones who have worked behind the curtain. So a hearty congratulations to all of us. I'm Mrs. Meera Sansgiri. I'm a lawyer. And I have also participated in this. I'm a lawyer, or I've participated in this contest. And this is a fantastic program. And बहुत अच्छी तरह से उन्होंने arrangement की है. And हमारे models के लिए they have put up makeup and dresses and all. उनके designers थे. Western outfit भी है, Indian outfit भी है. So बहुत अच्छा है, we are excited and we are looking forward for the results now after the second round. क्या कहना चाहेंगे, कितने excited हो आप? It's not about only excitement, but it was one of a kind of experience. Being here at Juhu Millennium Club is one of the prestige in itself, and again being with such good prestigious people, it is one of the great dignity which we have got today. Being the youth in the society, what we are not acknowledging is the book reading, or maybe acknowledging. आप जितना जैसे आगे बढ़ने चाहते जैसे जैसे आप आगे बढ़ने जाते हो, आप भूल जाते हो कि पढ़ाई की भी कितनी अहमियत होती है. यार हम खाली ये पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कहाँ कहाँ पर आगे जाना चाहिए. तो ऐसे जब मौके आते हैं या ऐसे जब हमें पर्सनैलिटीज़ देखने मिलती है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल जस्ट कंक्लूड आउट विथ वन पॉइंट आउट ऑफ इट. That every stage of life, education is a priority. हर दम एक बार भी आप देखने जाओगे ना, तो पढ़ाई के साथ साथ भी चीज़ें होती जाएगी. So believe in yourself, everything is possible. And ये event बहुत अच्छे से हुआ. We are really happy to be here in between of such prestigious people, be it Inspector Polister or Deputy Commissioner of India, or be it the Corporate King of India. We all have seen the people over here in all the pharmaceutical, and we have good designers over here, we have good collections over here which we got to wear. We got a jewellery partner, they were so amazing to get us groomed. We had a makeup kit partner. I guess they were one of the best deep which we had today, and we had a wonderful time being here in the morning. True. Thank you. सो मैं हूँ प्रवीणा सलेजा, ऑरा मिसेस इंडिया 2021. मैं ग्रूमर, डिज़ाइनर और पेजेंट कोरियोग्राफर भी हूँ. और आज के इस पेजेंट में आके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. क्योंकि हम सब एक मतलब घर के अंदर बंद थे, जो इन लोगों ने वो गेट खोल दिए जहाँ से हम बाहर आ सकते हैं, अपनी प्रतिभा या जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उसको पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि कोई भी जो पेजेंट होता है वो एक क्राउन के बारे में नहीं होता है, वो उसकी जिम्मेदारी के बारे में होता है. तो आप आज जो भी जीतेगा उसके लिए स्पेशली कि ये क्राउन आपको एक जिम्मेदारी के साथ मिलता है, तो ज़रूर से उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग कीजिए और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे आप. टिप्स तो बस इतना ही देना चाहती हूँ. सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में यकीन रखना, और कॉन्फिडेंस से जो करो कॉन्फिडेंस से करो. भले ही आप आंसर दे रहे हो और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो कि क्या आंसर देना है, बट आप उसको जिस कॉन्फिडेंस से देते हो ना, जज आपको 50% मार्क्स तो उसी लिए दे देगा. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना. The winner of Mrs. India and Mrs. International Global World Queen 2017 from Russia. And I'm also a groomer for beauty pages. I groom for many beauty pages and also being a jury for many beauty pages. यहाँ आके मुझे सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि पार्टिसिपेंट्स जो है ऑलरेडी अपनी करियर में अपने कुछ अचीवर्स हैं. सो ऑल द वुमेन्स आर वेरी पावरफुल, दे आर ऑलरेडी अचीवर्स. कहाँ से वो कुछ ना कुछ अपना बन के आए इस प्लेटफॉर्म के लिए. जो भी थोड़ा पूछे उसका जवाब देते हैं. प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ अपना बन के आए हैं और ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ अचीव करते आए हैं, और इन लोगों को जज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बिकॉज अपने आप में वो कुछ बने हैं, और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है
कि इनको कैसे चूज करें. सबसे पहली बात तो सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. उनको कॉस्ट्यूम्स जो डिज़ाइनर ने दिया है वो बहुत सुंदर है. मेकअप आर्टिस्ट ने अपना अच्छा काम किया है और एबीसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है. सबसे बड़ी बात तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने उनको भी नहीं हमें भी प्लेटफॉर्म दिया है या आपकी जज करें जो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा है. तो कंटेस्टेंट्स को मैं यही कहूँगी कि अपना बेस्ट दो, अपने आप में बिलीव करो और अपना कॉन्फिडेंस आखिरी दम तक करें. मेरा नाम है पडाल परवेज़, विनर ऑफ मिसेस यूनिटी क्वीन ऑफ इंडिया. मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, एक्टर, मॉडल. और ये प्लेटफॉर्म जो हमको मिलता है बहुत हमारे में एक कॉन्फिडेंस आता है. और जैसे इन्होंने बताया कि क्राउन विन करना एक जिम्मेदारी होती है, तो ये हमारे सर पे जो है वो एक जिम्मेदारी है. जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट आएंगे उनको सबको मैं ऑल, वैसे तो सभी विनर हैं यहाँ पर, जितने भी आए हैं अपने आप में सब विनर ही है, लेकिन ऑल द बेस्ट. और थैंक यू आकाश जी फॉर इनवाइटिंग. आई वुड लाइक टू से समथिंग फॉर ऑर्गेनाइजर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए बापट इंटरनेशनल जो उन्होंने दिया है, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहिए. यस यस, बुक है ना, हमारे जो व्यक्तित्व होता है उसकी एक परछाई होती है. तो बुक्स जो होती हैं वो हमें सिखाती हैं दूसरों की लाइफ से किस तरह से इंस्पायर होना है. तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने और ये बुक लॉन्च की है. हमने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा फीलिंग है. इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू शोकेस देयर टैलेंट और बहुत ही विजिबिलिटी मिलेगी. आप जो भी अच्छा वर्क कर रहे हैं तो इस पेजेंट के ज़रिए आप बहुत लोगों तक उस काम को पहुंचा सकते हैं, अपनी पहचान जो है वो और लोगों तक पहुंचा सकते हैं. एंड यू कैन यू नो फॉर द गुड विल एंड फॉर द गुड वर्क ऑफ द सोसाइटी. मेरा नाम संजना परब है, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और एक खुद का बिजनेस भी चालू किया है. साथ में यहाँ पर मैं एक गिफ्टिंग पार्टनर भी हूँ. तो इसीलिए मैंने चालू किया मेरा बिजनेस एंड यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. सब काफ़ी सपोर्टिव है, जजेस जितने भी वर्कर्स है सब काफ़ी सपोर्टिव. मेरा नाम अरीबा शेख है और मेरा फर्स्ट एवर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ ऐसे इधर. एंड सबके साथ लाइक इतना पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हर कोई बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है. कोई भी लाइक हर कोई सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे से. और मैं तो अभी स्टार्ट किया है मैंने, बस आई होप कि आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूँ और लाइक जो यंगर यूथ जब लाइक मेरे से जो यंगर यूथ है उनको इंस्पायर कर सकूँ या उनसे उनकी सोशल लाइफ कुछ इफेक्ट हो मेरी वजह से तो बहुत अच्छा होगा. ओके, मेरा नाम जो है वो मेरा नाम ज्योति गुप्ता है. मैं ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ. आकाश जी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है और मैं आकाश की मेंटर भी हूँ एज एन इमेज कंसल्टेंट. तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क डन बाय आकाश एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Fashion designer from Thane. I'm having a designer studio which is in Hiranandani Estate, Arcadia Shopping Complex. And my dream is to make my customers look beautiful, to make their dream outfits live in front of them. I love them wearing my outfits and they are also very happy while wearing my outfits. You can ask them also how they love it. थैंक यू सो मच जागृति. हमें डेफिनेटली जागृति के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है. यू कैन सी योर आउटफिट्स बहुत ही सुंदर है, एलिगेंट है और एक परफेक्ट वर्क, एक परफेक्ट ओकेजन के लिए बहुत ही अच्छे आउटफिट्स है. काफ़ी कंफर्टेबल है, जो मटेरियल है काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल है. एट द सेम टाइम हमको कैरी करने में भी काफ़ी आसानी है. ब्यूटिफुल, एलिगेंट. You can also do it. Yes, thank you so much Jagruti. Your designs are awesome and she's such a gem of a person. She will tell you what suits you, what will not suit you. Ma'am, please come out of your comfort zone. Every time you don't look like a lawyer,
And you know, she gives so much of tips and tricks, you know, the way you can carry yourself and you can alter your dresses. And today I'm wearing her Akshara Designs outfit, which is amazing. And I'm very first time I'm wearing this kind of outfit as I'm a lawyer. So yeah, I loved her designs and her designs are too good. Thank you so much, Jagruti, and please keep doing amazing work. We will be surely in touch for the outfits. Sure, sure. I'm always there for my customers. क्या कहना चाहेंगी मैम, आज जो आपने पूरे सब डिजाइन करे हैं, आज जो ब्यूटी प्रेजेंट चल रहा है, फैशन शो चल रहा है, आपने डिजाइन करा है, किसकी मेहनत इसके पीछे लगी है और क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आई थिंक फुल 1 वीक मैंने इस फैशन शो को दिया है. सबके बॉडी पे, सबके फेस पे क्या कलर जा रहा है क्या नहीं, आई हैव गिवन देम प्लेंटी ऑफ आउटफिट्स. उसमें से यू चूज व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर द बेस्ट. फिर मैंने उनको बताया क्या फेस पे